फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी जो कि 3 इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं 2 कप्स ऑफ मिल्क। इसी के साथ में मैं ऐड करूंगी 1/2 कप ऑफ शुगर। मैं इसमें शुगर मिल्क के साथ इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे जो हमारा कंडेंस्ड मिल्क है उसे एक क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। और अब हम इसे स्टिर करते रहेंगे और हमें इसे बॉयल होने देना है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और हमें ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी तरह की क्रीम फॉर्मेशन ना हो, इसमें मलाई नहीं बननी चाहिए। तो हम इसकी साइड्स को स्क्रेप करते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे। थोड़ी ही देर में हमारा जो दूध है ये बॉयल हो जाएगा। अब हम इसे बॉयल होने देंगे और यहाँ पे जो हम फ्लेम है वो लो टू मीडियम कर लेंगे, और अब हमें इसे रिड्यूस करना है 1/2 लेवल तक। मतलब हमने 2 कप यहाँ पे मिल्क लिया था, तो हम इसे तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक ये 1 कप ना रह जाए। बस ध्यान एक ही बात का रखना है कि हमें इसे स्टिर करते रहना है कॉन्टिन्यूसली। इसमें किसी तरह की मिलाई नहीं बननी चाहिए, वरना हमें एक स्मूथ मिक्सचर नहीं मिलेगा और हमारा कंडेंस्ड मिल्क जो है वो स्मूथ नहीं बनेगा। तो इसे अच्छे से चलाते रहिए। 10-12 मिनट में जो मिल्क है ये रिड्यूस हो जाएगा 1/2 में। लगभग 10 मिनट तक हमने इसे अच्छे से रिड्यूस किया है और हमने जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखा है। तो अब हम इसमें हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, लेकिन बेकिंग सोडा हमें 1 पिंच ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे हम, ये एकदम फ्रॉथी हो जाएगा मिक्सचर, और हमें इसे कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहना है, अच्छे से चलाते रहना है हमें। जो बेकिंग सोडा है ये एक अच्छी थिकनेस देगा हमारे कंडेंस्ड मिल्क को, और जो शुगर है वो स्वीटनेस के साथ साथ उसे एक क्रीमी टेक्सचर देती है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स से हमारा कंडेंस्ड मिल्क अभी रेडी हो जाएगा। बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें हाई फ्लेम पे इसे नेक्स्ट 4-5 मिनट तक पकाना है और इसे स्टिर करते रहना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ये किसी भी तरह से नीचे ना लगे, इसे अच्छे से स्टिर करना है। और नेक्स्ट 4-5 मिनट्स में हमारा होममेड कंडेंस्ड मिल्क एकदम रेडी हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर एकदम मार्केट वाला जो नेस्ले मिल्क मेड आता है उसका जो कंडेंस्ड मिल्क होता है एकदम वैसा ही बनेगा, और टेस्टी भी वैसा ही है। ये देखिए, ये वैसा ही स्टिकी है और वैसा ही इसका टेक्सचर है। हम इसे ओवरकुक नहीं करेंगे, अभी ये कंडेंस्ड मिल्क गर्म है, जब ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। आप भी इसे एक ट्राई दीजिए, और इसे आप अपने डेजर्ट्स में या जब आप स्वीट्स बनाते हैं या बेकिंग करते हैं केक वगैरह, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।